नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयार है। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई, जनता उन्हें 370 सीटों का आशीर्वाद देगी। वहीं एनडीए सरकार 400 पार पर जीत दर्ज करेगी। लोकसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है, इस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव समिति लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करके शीर्ष नेतृत्व को भेज देगी। आगे का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। जल्द ही लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे। वहीं हिमाचल की सियासी हलचल पर उन्होंने कहा कि वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कोई तो बात होगी जो उनके विधायक इतने नाराज है, जो उन्होंने पार्टी के विरुद्ध जाकर वोट किया। वहीं उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और इंडिया गठबंधन के जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है। गठबंधन को छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। देखिए, भाजपा की पूरी तैयारी है और भाजपा एक संगठन है, यहाँ कोई केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और हमारी कल मीटिंग हुई है और वो हमारे हाईकमान ने फैसला करना, जो भी हाईकमान फैसला करेगा, जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो फैसला करेगी, जिसको भी कैंडिडेट घोषित करेगी, तो निश्चित तौर से सब लोग मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे। नहीं देखिए, इसका फैसला मैं तो नहीं कुछ भी कह सकता कि मिल के लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो हाईकमान ने फैसला करना, लेकिन अभी तक हमारा कोई समझौता नहीं है, चुनाव लड़ने का कोई समझौता हमारा नहीं है। सर, इस हमारी जिम्मेदारी यही है कि एक शॉर्ट लिस्ट करके हम यहाँ से केंद्र को भेज देते हैं, उसके बाद केंद्र जो है उसके ऊपर फैसला करता है। तो अब मैं उसकी डेट तो नहीं आपको बता सकता कि किस डेट तक फैसला हो जाएगा, लेकिन जल्दी फैसला हो जाएगा। देखिए, उनका आंतरिक मामला इस प्रकार का है, जिस प्रकार की असंतोष उनकी पार्टी में हुआ और उस संतोष के कारण कुछ लोगों को उन्होंने बर्खास्त भी कर दिया, अपने 6 विधायकों को और उनकी सदस्यता भी उन्होंने समाप्त कर दी। तो ये उनका आंतरिक मामला है, जिस प्रकार से आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कोई भी एमएलए इतना बड़ा स्टेप ले रहा तो उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा ऐसा, तो जिसके कारण उसे इतना मजबूर होना पड़ा कि उसने अपनी पार्टी को के विरुद्ध निर्णय लेना पड़ा। लेकिन लक्षण तो उसके चलने के हैं नहीं, अब देखो क्या चलता है। काफी लोग छोड़ के चले भी गए और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और भी लोग छोड़ के जाएंगे। तो इस वजह से नहीं, देखिए ये तो कोई निश्चित बात नहीं है कि विधायक आएंगे नहीं आएंगे, हो भी सकता है, अभी तो हाईकमान ने फैसला करना। कुछ विधायक भी ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं एमपी का, तो पार्टी क्या फैसला करती है, विधायकों के पक्ष में करती है या जो हमारे पहले जो हमारे एमपी रहे उनके पक्ष में करती है या नया कोई कैंडिडेट ले करती है, ये तो हाईकमान का फैसला है, वो जो भी विचार करेगा अब उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन निश्चित तो कुछ भी नहीं है, ये भी फाइनल नहीं है कि सारे सीटिंग वालों को मिलेगी, कुछ सीटिंग वालों को मिलेगी, हो सकता है कुछ नए को मिले, लेकिन ये हाईकमान का फैसला है कि वो सारे सीटिंग वालों को देता है या कुछ सीटिंग वालों को देता है, कुछ नए को देता है, तो वो काफी बड़ा मंथन करते हैं और उनके पास सारी रिपोर्टें होती है और उसके आधार पर ही वो फैसला करते हैं। जो तैयार है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 हमने समाप्त की और 370 की वैज में देश जो है 370 सीटों का ही टिक्का जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी करेगा, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी और जो एनडीए है वो 400 पार जीतेगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।